अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, सना की किचन में आप सबका स्वागत है। वेलकम टू सनास किचन 818। आज की हमारी रेसिपी है चिकन स्टफ्ड बन। आज हम आपको बनाकर दिखाएंगे स्पाइसी चिकन स्टफ्ड बन की रेसिपी। चलिए अब हम स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे लेंगे हाफ कप पानी, 1 टेबल स्पून शुगर। इसको हम अच्छे से डिज़ोल्व होने के लिए छोड़ देंगे और इसमें 1 टेबल स्पून ईस्ट ऐड करके इसको मिक्स कर लेंगे और थोड़ी देर 2 या 3 मिनट के लिए साइड में रख लेंगे। इसके बाद हम यहाँ पे एक बाउल लेंगे, इसमें 250 ग्राम ऑल पर्पस फ्लावर, 1/2 टेबल स्पून सॉल्ट, 1 या 2 टेबल स्पून ऑयल और शुगर, ईस्ट जो सॉल्यूशन था उसमें ऐड करेंगे और फिर इसको थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके आटे को अच्छे से मल लेंगे। यहाँ पे हमारा डो रेडी हो चुका है। इसको हम डो को डबल होने के लिए प्रेशर कुकर में लिड लगा के 1 आवर के लिए साइड में रखेंगे। अब एक यहाँ पे पैन लेंगे, इसमें 5 टेबल स्पून ऑयल ऐड करेंगे। इसके साथ साथ हम यहाँ पे 2 मीडियम साइज चॉप ऑनियन और इसके साथ में 4 चॉप्ड ग्रीन चिलीज ऐड करेंगे और इसको हम अच्छे से ऑयल में सौते करेंगे। इसके साथ साथ 1/2 टेबल स्पून टर्मरिक पाउडर और इसके साथ साथ यहाँ पे चिकन कट के हुए पीसेस ऐड करेंगे और थोड़ा सा सॉल्ट ऐड करते हुए इसमें हम 1 टेबल स्पून रेड चिली पाउडर, 1/2 टेबल स्पून ब्लैक पेपर पाउडर, 1 टेबल स्पून ज़ीरा पाउडर और 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर और इसके साथ साथ 1 टेबल स्पून मैगी मसाला पाउडर ऐड करेंगे। लास्ट में हम जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड करके इसको अच्छे से पकाएंगे। 5 मिनट चिकन पकने के बाद लास्ट में हम कोरिएंडर लीव्स ऐड करेंगे। अगर आपको हमारी ये रेसिपी अच्छी लगती है तो सनास किचन 818 चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। 1 घंटे बाद हम यहाँ पे प्रेशर कुकर में रखा हुआ डो चेक करेंगे तो यहाँ पे डबल हो चुका है डो। स्टफ फिर बन बनाने के लिए डो यहाँ पे रेडी है। अब यहाँ पे हम एयर फ्रायर को ग्रीस कर लेंगे। इसके बाद हम यहाँ पे थोड़ा सा डो लेके यहाँ पे स्टफिंग चिकन की करके इसमें इसको हम एयर फ्रायर में रख लेंगे। इसके बाद हम यहाँ पे सेकंड डो को लेंगे, इसके हम स्टफिंग करेंगे और थोड़े से हम यहाँ पे चीज़ ऐड करेंगे स्टफिंग में। हम यहाँ पे 5 से 6 स्टफ्ड बन बनाएंगे बहुत ही इजी वे में। हमारे यहाँ पे स्टफ्ड बन स्टफिंग करके हो गई है और इसको हम थोड़ी देर के लिए रेस्ट के लिए छोड़ देंगे। सब बन की स्टफिंग होने के बाद हम यहाँ पे 10 मिनट के लिए रेस्ट के लिए छोड़ देते। इसके बाद हम यहाँ पे फेटे हुए अंडे से यहाँ पे ब्रशिंग करेंगे और उसके ऊपर तिल ऐड करेंगे। फिर इसको 180 डिग्री पे एयर फ्रायर में 20 से 25 मिनट्स के लिए छोड़ देंगे। यहाँ पे
25 मिनट्स के बाद स्पाइसी चिकन स्टफ बन बन के रेडी हो चुके हैं। लास्ट में हम मेल्टेड बटर से इसको ब्रश करेंगे। अगर आपको हमारी ये रेसिपी अच्छी लगती है तो सनास किचन 818 चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।